सो क्या हाल चाल दोस्तों, मेरा नाम है संजीत। सो क्या हाल चाल है और आप देख रहे हो बर्निंग टैग। तो आपको पता ही होगा, आप मतलब आप देख चुके हैं कि चैनल का नाम अचानक बदल क्यों गया। तो एक्चुअली मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ टैग बर्नर सर से, तो इसलिए मैंने अपना भी नाम लिया, थोड़ा बदल दिया और थोड़ा सा इधर से भी लाइट सोर्स है, क्योंकि नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में काफ़ी कमेंट नहीं आया, लेकिन मेरा खुद का दोस्त अपने मुझे टैक्स किया और बोला कि भाई थोड़ा लाइटिंग का इशू है, लाइटिंग थोड़ा इंप्रूव कर ले। तो मैं इधर एक लाइट लगा लिया, इसको मैं फिक्स करूंगा आज थोड़ा टेम्परली। तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे, आज कोई टैक रिव्यूज टेक्नोलॉजी बात नहीं करेंगे, आज एक इंपॉर्टेंट सीरीज देश के लिए बात करेंगे, है ना, देश के लिए, एकदम देश के लिए। और मैं बोलने का तरीका भी चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंट लाने का ट्राई कर रहा हूँ अपने बातों में, बट जल्दी हो जाएगा क्योंकि कैमरे के सामने में उतना आता नहीं हूँ, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक सीरियस मैटर जो कि है दार्जिलिंग मैराथन 2020। सर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं एक इंडिया का वेस्ट बंगाल निवासी हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ और दार्जिलिंग यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, कम से कम 3 घंटे का रास्ता है, है ना। तो क्या कहना है कि मुझे जो मैराथन हुआ परसों को, वहाँ मेरा एक रिलेटिव ने भी गया, मेरा एक ब्रो है, मेरा एक भैया है, उसने भी गया मैराथन। काफ़ी अच्छा था, 21 किलोमीटर का, एक 10 किलोमीटर का था, तो उसने अच्छा परफॉर्म किया और बहुत जन अच्छा परफॉर्म किया और सेलिब्रिटी भी आया, नाम नहीं पता, एक सिंगर है, एक पुराना नहीं एक एक्टर था। एक्चुअली इस टॉपिक में मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, आप आर्टिकल अगर आप सर्च करेंगे दार्जिलिंग मैराथन 2020, तो आपको काफ़ी सारा पिक्चर्स, काफ़ी सारा आर्टिकल मिल जाएगा उसमें। ये आप खुद देख सकते कि कितना क्राउडेड था वहाँ पर, लगभग समथिंग लाइक 3,000 to 4,000 पीपल आया था, कहाँ कहाँ से नहीं पता। तो जैसे कि अभी सबको पता है, अभी कोविड का समय चल रहा है, मतलब कोरोना वायरस का टाइम है, अभी बड़ा पैंडमिक है, तो इस बात को सीरियसली लेना चाहिए था दार्जिलिंग मैराथन ऑर्गेनाइज़र को। मेरे को एक्चुअली कंफर्म नहीं पता है कि कौन है, कौन सा कंपनी ऑर्गेनाइज़ किया है, लेकिन जहां से टिकट का मतलब लेन देन हुआ, जहां से बुक टिकट किया, वो था एक वेबसाइट है townscript.com नाम का कोई है, मैं कंफर्म करके लिंक दे दूंगा। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इसको, लेकिन मैं इस बात में सिर्फ इस टॉपिक में सिर्फ एक ही मेरा कंप्लेन है कि अभी तो आप बड़े आदमी हैं, मतलब आप सब ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा पेंडेमिक का समय में आप इतना क्राउड ला रहे हैं एक साथ, वो भी कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा स्टेट से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग का वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग क्लेम किया है कि सबसे क्लीनेस्ट, मतलब कोरोना वायरस फ्री स्टेट है दार्जिलिंग, वो था, वो है, वो हम लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों ज़रूरी था मैराथन के लिए कि कोरोना वायरस को भी नहीं समझा, इतना भीड़ इकट्ठा लेके आ गया, इतना भी ज़रूरी नहीं था, उसको थोड़ा डिले भी कर सकते थे, है ना, या कुछ कम लोगों के लिए भी कर सकते थे, या टाइम पीरियड हिसाब से कर सकते थे कि थोड़ा आज होगा कि थोड़ा 1 वीक लेटर होगा, है ना, तो उस हिसाब से कर सकते थे, कि काफ़ी ऑप्शन था इन लोग के पास, लेकिन कुछ किया नहीं, विच इज़ वेरी बैड फॉर आवर कंट्री एंड आवर मदर अर्थ, बिकॉज कोरोना वायरस इज एवरीवेयर, है ना। अभी तक ये सीज़न गया ही नहीं कोरोना वायरस का, सीज़न बोले तो कोरोना वायरस का सीज़न। तो यही था मेरे को, यही कंप्लेन है कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि सबको पता है इतना बड़ा सीरियस मैटर है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई वो नहीं था, फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं था कि सैनिटाइज करो अपना बॉडी को, आप यहाँ पर रहो, आप वहाँ पर रहो, नहीं, कुछ भी नहीं था, ओपन फॉर एवरीवन था, तो विच इज़ वेरी बैड। एंड दो सेलिब्रिटी भी आए, उन लोग का भी लिए खतरा हो सकता था, और अपना इतना सारा यंग लड़के गए वहाँ पर, उन लोग के लिए भी काफ़ी खतरा हो सकता है। बस यही था मेरा वीडियो, यही था मेरा मोटिव कि ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, मुझे पता नहीं, आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोरोना वायरस इज़ नॉट ओवर येट, स्टिल देयर, एंड पता नहीं कब तक रहेगा, और जब तक रहेगा आपको सावधान रहना पड़ेगा, और बस अपना थोड़ा लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मतलब कर रहे होंगे आप, ऑलरेडी कर चुके होंगे, लेकिन उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और उसको ऐसा नहीं कि अरे यार कोरोना मेरे को तो अब तक कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं, ऐसा कुछ मत सोचो, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, किसको नहीं पता। तो आज के लिए ये वीडियो, कल आएगा टैग वीडियो, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद वंदे मातरम। और चैनल का नाम बदल गया क्योंकि हम फैन ऑफ टैग बनर सर। लव यू ऑल, टेक केयर।